आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। महोबा जिले के चरखाई में सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए सड़क निर्माण के दौरान हुए भ्रष्टाचार की विधायक ने स्थलीय निरीक्षण करते हुए पोल खोल दी। 2.5 करोड़ की लागत से बनी सड़क महज 4 माह में उखड़ गई। विधायक की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक ओर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महोबा जिले के चरखाई तहसील स्थित अर्जुन सागर बाद मार्ग, जिसकी लागत 2.70 करोड़ थी, यह नवनिर्मित सड़क भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। ग्रामवासियों की शिकायत पर चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जब अर्जुन सागर बाद मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया तो पाया कि वहां की सड़क हाथ से उखाड़ने पर ही उखड़ रही है। नाराज विधायक ने सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शासन को पत्र लिखा है। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। अर्जुन बंदे के ऊपर एक सड़क बनाई गई थी लगभग 3 से 4 माह पूर्व में। वो सड़क की जांच हम लोगों ने जो की करने गए थे, तो उसमें जो ग्रामीणों की शिकायत जिस प्रकार से मिली थी कि सड़क बहुत घटिया क्वालिटी की बनाई गई थी, तो वाकई में वहां जाकर यही पाया गया कि वहां वो सड़क में मानक के खिलाफ एकदम घटिया सड़क बनाई गई है। मतलब इतनी घटिया सड़क मेरी चरखारी विधानसभा के अंदर अभी तक कोई भी सड़क नहीं बनी है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में मैंने ये देखा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो भी सड़कें बनी है, अभी भी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, मगर सड़कें खराब नहीं हुई हैं। ये पहला एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जिसने मेरी विधानसभा में आकर काम किया है, जो कि सड़क 3 महीने भी नहीं चली है। निश्चित रूप से ठेकेदार पे और जो उस सड़क के जेई और एई हैं, उन सबके ऊपर इसमें कार्रवाई होगी और मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जिले के जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्तालाप हुई है, मैंने उनके पूरे विषय संज्ञान में दिया है और उनके ही द्वारा जिले से जो है ADM और PWD XEN की एक टीम भेजी गई थी, जिसमें साथ में मैं भी गया था, क्योंकि ये स्पष्ट रहे कि उसमें वीडियोग्राफी बकायदा के साथ में कि जांच जो है निष्पक्ष हो, कहीं से कोई इसमें ढीला ढलाई ना कर पाए, इसमें ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा निश्चित रूप से दर्ज हो, जिससे कि ठेकेदारों में ये संदेश जाए कि चरखारी विधानसभा के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है और अब वो अच्छा नहीं करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत होगा और उसकी फर्म को ब्लैकलिस्टेड भी किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।